तो डेमो तो आप लोगों ने चेक कर ही लिया होगा जो कि मैंने आपको चेक कराया यहां पे हम बनाने वाले हैं है ये थोड़ा सा इसको जूम बढ़ा दिया था ठीक है तो अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूं और अपने माउस को अपने पेज के ऊपर कहीं भी लेकर के आऊ और जो मेरा कर्सर है आप देख पा रहे हो ग्रीन या फिर येलो कलर आपको दिखेगा साथ में जहां जहां मेरा माउस का पॉइंटर या कर्सर जाएगा वहां वहां इस इमोजी या स्माइली के जो आंखें है ना आईबॉल्स है वो रोटेट करेंगे या फिर मूव करेंगे काफी अच्छा एक इफेक्ट है राइट बहुत अच्छा लग रहा है देखने में और छोटा सा एक प्रोजेक्ट है एच टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट को यूज करके और काफी कुछ है इसमें सीखने को डिजाइनिंग वगैरह भी ठीक है सो so, ये कुछ क्विक डैम और अगर आप इसके अंदर अपना माउस लेकर के जाते हो उसको फेस के अंदर तो जो उसका फेस है वो सैड टाइप का बन जाता है अजीब सा और ऐसा एक इमोजी भी है जिसमें एक लाइन बन करके आ रहा होता है राइट आप चाहें तो इन दोनों के बीच से इसको रोटेट कर सकते हो वो भी पॉसिबल है इंडिविजुअल आंखें हल्की हल्की घूमती है बाहर आते ही वापस ये हंसने लगेगा काफी अच्छी चीज है और हम इसको बना सकते हैं सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा चेक करें और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा इससे पहले भी ऑलरेडी मैंने दो वीडियो और बनाए हैं एच टी एम एल सी एस एस को यूज करके जिसके अंदर मैंने आपको प्रीलोडर वेबसाइट खुलने से पहले जो एक लोडिंग का एनिमेशन आता है वो और यहां पे मैंने आपको करा रखा था बाउंसिंग इफेक्ट जो आपके बॉल्स जो है वो जंप करते रहे 300 से ज्यादा लोग देख चुके हैं उसको एंड थैंक यू सो मच आप लोगों का बहुत प्यार मिला चार दिन बाद इस वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया था मेरी तबियत खराब चल रही है डेट्स व मैंने उन वीडियोज को ही बहुत लेट बनाया था वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे सो so, यहां पे अगर आप देखो तो ये रोटेशन काम कर रहा है राइट सो so, मैं आ गया अपने फोल्डर के अंदर और दो फाइलें हैं मेरे पास आप किसी भी नाम से सेव करो कोई प्रॉब्लम नहीं है पहली फाइल मेरी एच की है ना ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ एच के साथ ही चलेगा आपकी ए की फाइल हो सकती है पीएचपी की फाइल हो सकती है डजेंट मैटर और दूसरी है मेरी सी की फाइल जो कि डॉट सी पे सेव है और नाम उसका स्टाइल है आप चाहो तो स्टाइल की जगह कोई और नाम रख लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों केसेस में ठीक है काम करेगा नाउ मैं आपको भी ये रेकमेंड करूंगा अगर आप बिगनर हो तो मेक श्योर sure आप नोटपैड के अंदर नोटपैड प्लस प्लस के अंदर ही काम करें ज्यादा हाई लेवल के टेक्स्ट एडिटर या आईडीज के ऊपर जैसे कि आपका सबलाइम हो हो गया हो गया एटम बहुत सारे हैं उनके ऊपर आप ना जाए क्योंकि मेरा मोटिव है आप सीखे ऐसा ना हो आप कुछ टाइप करें और खाम खा आपके सामने दुनिया भर की लाइनें ऑलरेडी लिख करके सजेशन के तौर पे आ जाए तो कोई फायदा नहीं है आप सीख नहीं पाओगे उसके अंदर राइट right? सो so, हम चाहेंगे कि हम अपना कोड जो है वो खुद करें और सीखे कुछ ठीक है तब जाके हमारा कुछ ये एनिमेशन या एक इफेक्ट बनेगा और हम सीख पाएंगे रेदर देन कि हमें नाइनटी परसेंट चीजें बनी बनाए मिल जाए राइट तो फिर भी आपकी मर्जी है मैं पढ़ाने के लिए यहां पे नोट पैड प्लस प्लस का इस्तेमाल ही करूंगा सो so, बेसिक सा हमें यहां पर पहले एच लगाना है और एच के बाद जो होता है हमारा होता है हेड टैग और इसके बाद होता है हमारा टाइटल टैग और इसके बाद होता है हमारा टाइटल टैग क्लोज और इसके बाद होता है हमारा हेड टैग क्लोज ऑबियस बात है इसके बाद मुझे मेरा बॉडी टैग को स्टार्ट कर लेना है और इसके बाद क्या होगा बॉडी टैग हो जाएगा क्लोज एंड इसके बाद हमारा एच टी एम एल टैग क्लोज हो जाएगा राइट टाइटल के अंदर अगर मैं बात करूं तो मैं यहां पे लिख रहा हूं स्माइली फेस एनिमेशन बाय साइबर वॉरियर्स एंड मैं इसको सेव कर रहा हूं यहां पे आते हैं और अपने पेज को एक बार डबल क्लिक करके रन कर लेते हैं तो यहां पे हमारा जो है टाइटल आ चुका है ठीक है ऑब्वैसी बात है इतना बड़ा टाइटल लिखोगे और सोचोगे कि डिस्प्ले हो जाए तो नॉट पॉसिबल तो ये हमारा एक सिंपल सा काम था अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है ये जो मेरा फेस दिख रहा है मुझे वो ड्रॉ करना पड़ेगा पहली बात तो इसमें सी एस एस का बहुत बड़ा पार्ट आने वाला है और जावा स्क्रिप्ट के आठ दस लाइनें और एच टी एम एल तो चार पांच लाइनों में खत्म हो जाएगा मेक श्योर अगर आपको किसी भी एंड पे कोई डाउट आता है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पर जरूर जाना और सी की सेपरेट प्ले बनी हुई है बहुत डिटेल में आप सीख सकते हो और जावा भी बहुत डिटेल में मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है उसके कुछ प्रोजेक्ट्स भी है ठीक है उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएंगे सो मेक श्योर उसको आप चेक कर ले रेदर देन आप खा मुझे यह कहो कि यह चीज क्या काम करता है समझ में नहीं आया है ना मैंने सेपरेट वीडियोस बहुत डिटेल में बना रखी हैं सो so, यहां पे मैं आ गया अपने बॉडी के अंदर और बेसिकली ना हमारा जितना भी काम होगा वो डिवीजन के थ्रू होगा डिवीजन क्या है पेज को अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं सी के अंदर मैंने करा रखा है अब ये जो हमारा येलो कलर है ये एक स्क्वायर बॉक्स आप इसको मान करके चले जिसको बाद में मैंने सर्कल किया है तो ये एक डिवीजन है येलो वाला हमारा ठीक है ये एक ओवरऑल डिवीजन है जिसके अंदर आंखों के लिए एक बड़ा डिवीजन है और उसके अंदर दो छोटे छोटे डिवीजन है छोटे छोटे डिवीजन है यहां पे हमारे पास छोटे आंखों के लिए आई बॉल्स के लिए ठीक है एक हमारा ये डिवीजन हो गया बाहर का एक हो गया हमारा दोनों आंखों के लिए एक बड़ा सा डिवीजन और उसके अंदर दो छोटे छोटे आंखों का एक डिवीजन और उसके बाद हमारा एक माउथ जो हमारा एक फेस है ठीक है एक उसके लिए डिवीजन है तो ये कुछ डिवीजन में बटे हुए हैं हमें वो बनाना पड़ेगा सीधी सी बात है सो so, यहां पे आकर के मैं इसको कहता हूं कि भाई एक डिवीजन बना डी आई वी डिव क्या है कुछ नहीं है पेज को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना खैर आप सीएसएस के वीडियो में मेरे जाकर के डिटेल में सीख सकते हो उसको ठीक है तो मैं यहां पे डिव को स्टार्ट कर रहा हूं और सिंपली उसके बाद मैंने डिव को क्लोज कर दिया अब ऑब्वियस ही बात है मुझे इसकी स्टाइलिंग करनी है और इसकी सीएसएस बनानी है मुझे तो या तो मुझे आई लगाना पड़ेगा या फिर क्लास लगाना पड़ेगा मैं यहां पर क्लास के साथ जा रहा हूं ये भी मैंने सीएसएस के अंदर डिटेल में सिखाया हुआ है क्लास वगैरह क्या होता है तो मैं इसको कर रहा हूं फेस अब ये फेस क्या रहेगा बेसिकली हमारा ये ओवरऑल मेन डिव की बात कर रहा हूं मैं ठीक है तो मैंने यहां पे इसको क्या किया सिंपली यहां पे लिख दिया मैंने फेस इट बड़ा ही सिंपल था यहां तक उसके बाद मैं इसके अंदर एक स्टेप और आगे आ गया और मैंने कहा एक और डिव स्टार्ट होगा और हमारा ये डिव है वो क्लोज हो जाएगा सिंपल आई डोंट थिंक यहां तक कोई डाउट होगा अब क्या किया मैंने बेसिकली ये जो मेरे आंखें फेस मैंने ओवरऑल येल्लो वाला बना दिया उसके अंदर मुझे दो अलग अलग आंखें चाहिए तो उन दो अलग अलग आंखों के लिए दो डिव बनाना पड़ेगा एक बना के मैंने रेडी कर दिया है दूसरा भी मैंने बना दिया यहां पे ठीक है डिव और इसका भी एक क्लास हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा लेटेस्ट से अगर मैं इसका क्लास करता हूं यहां पे ई वाईस ध्यान दे मैं आईज लिख रहा हूं नॉट आई तो ये क्या होगा दोनों आंखों के लिए एक बड़ा सा बॉक्स ओवरऑल बनेगा बॉर्डर नहीं लगा है इसलिए आपको यहां पर अभी दिख नहीं रहा है ठीक है तो ये वो चीज हो गया और इस बड़ी सी बॉक्स के अंदर हमारे दो छोटे छोटे बॉक्स बने हैं तो इसका क्या सेंस बना हमारा ये आंखों के लिए यहां पे एक रेक्टेंगल है उसके अंदर दो छोटे छोटे आंखें हैं ठीक है ठीके? तो जैसे ये फेस का ओवरऑल एक डिव बना और वो यहां क्लोज हो गया ऐसे ही ये आंखों के लिए एक बॉक्स बना उसके अंदर दो आंखें बनी ये डिव यहां स्टार्ट हुआ यहां क्लोज हुआ ये यहां स्टार्ट हुआ यहां क्लोज हुआ तो मैं एक काम करता हूं टैब दबा करके इसको शिफ्ट कर देता हूं और

जो मैंने कोड किया है उसके अकॉर्डिंग रिप्लेस करते रहना फिर हर जगह पे मेक श्योर sure आप रिप्लेस जरूर कर लेना उस चीज को वरना प्रॉब्लमेटिक होगा वो आप लोगों के लिए ठीक है डेड सेट हमारा एच का काम इतना ही था अब हमें इसकी स्टाइलिंग करनी है अब स्टाइलिंग करनी है तो एक सीएसएस की फाइल चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा सीएसएस है इसलिए मैं इंटरनल और इनलाइन नहीं कर रहा एक सेपरेट फाइल बना रहा हूं ठीक है और इसका नाम मैंने स्टाइल डॉट सी दे रखा है आप जो मर्जी दे देना डजेंट मैटर सो इसको मैं राइट right क्लिक कर रहा हूं यहां पे और इसको भी मैं अपने नोट प्लस प्लस के अंदर ओपन कर रहा हूं इसका नाम स्टाइल डॉट सी है और ये हमारी एच की फाइल है दोनों फाइलें सेपरेट है इस फाइल को मुझे अपने एस के साथ लिंक करना पड़ेगा जिसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे लिंक टैग का यूज करते हैं और लिंक के अंदर हम क्या लिखेंगे लिंक आर ई एल इक्वल टू स्टाइल शीट तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एस टी वाई एल ई एस एच ई टी स्टाइल शीट इसके आगे आपको एच आर ई एफ हाइपर रेफरेंस बताना पड़ता है कि एक्चुअली वो फाइल का नाम क्या है और पूरा पाथ स्पेसिफाई करना पड़ता है क्योंकि मेरे को मेरे ये फाइल सेपरेट पड़ी नहीं है मेरी इसी फोल्डर के अंदर है तो मुझे पाथ स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट स्टाइल डॉट सी लिख दूंगा तो भी मेरा काम बन जाएगा अब ये स्टाइल डॉट सी क्यों लिखा क्योंकि ये स्टाइल नाम है इसका और सी इसकी टाइप है तो अगर आपने नाम कुछ और दे रखा है समथिंग मान लो एग्जाम्पल नाम दे रखा है तो एग्जाम्पल डॉट सी होगा ठीक है तो ये आपको करना है तो ये फाइल हमारी लिंक हो चुकी है अब मैं जो भी काम करूंगा इसके अंदर बेसिकली वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने वाला है ठीक है सो so, अब हमें इसका स्टाइलिंग करना पड़ेगा ताकि हमारा फेस एक्चुअली स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट हो और दिखाई भी दे कि हां हमने कुछ कोड किया है तो उसका इंपैक्ट आ रहा है सिर्फ डिव बनाने से हम सोचेंगे कि काम हो जाएगा तो नॉट पॉसिबल इस डिव की स्टाइलिंग करनी पड़ेगी जैसे कि फेस हो गया आईज हो गया आई हो गया ठीक है अब बाय डिफॉल्ट एच क्या करता है एक्चुअली ना यहां से एक एक पिक्सल की मार्जिन और पैडिंग लेकर के रखता है जो कि हमें नहीं चाहिए तो स्टाइल लगा करके ओवरऑल पूरे डॉक्यूमेंट की मार्जिन और पैडिंग को जो मैं है ना जीरो कर देता हूं तो मैंने यहां पे लिखा मार्जिन और जीरो लिख दिया पिक्सल लिखने की जरूरत नहीं है यहां पे और पैडिंग को भी मैं यहां पे जीरो कर देता हूं ठीक है तो मैंने मार्जिन और पैडिंग दोनों को यहां पर बारी बारी मैंने जीरो कर दिया होप सो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए और इससे भी हमारे डॉक्यूमेंट पर इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा सीएसएस के अंदर मैंने कहा आपको मैंने सारी चीजें सिखा रखी है सेपरेटली अब बॉक्स साइजिंग भी यहां पे मैं यूज कर रहा हूं ताकि जो भी मैं लिखूं एक्चुअली क्या हो वो बाहर ना निकले मेरे बॉक्स के जो हमारा डिव होगा उसके बाहर ना निकल जाए मैं उसको बॉर्डर बॉक्स कर देता हूं तो मैंने यहां बॉर्डर माइनस बॉक्स कर दिया ठीक है तो बॉक्स साइजिंग एस आई जेड आई एन जी और बॉर्डर बॉक्स मैंने उसको कर दिया इसके बाद मुझे बॉडी की कुछ स्टाइलिंग करनी है सीएसएस के अंदर तो मैंने यहां पे लिखा मेरा बॉडी टैग और बॉडी के अंदर मैं कहता हूं कि भाई चलिए बॉडी से पहले मैं आपको डिव का करके दिखा देता हूँ और बॉडी हटा देता हूँ फिर आप देखेंगे क्या फर्क पड़ता है तो जो मेरा ओवरऑल है एक्चुअली इसका नाम क्या है फेस नाम है जो कि करंटली यहाँ पे एमपटी है राइट right? यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो फेस है तो अगर मैं फेस की स्टाइलिंग करूँ और यहाँ पे आकर के मैं लिखूँ फेस अब एक्चुअली मुझे यहाँ पे डॉट लगाना पड़ेगा क्योंकि मैंने क्लास ले रखा है यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्लास है राइट right? तो मैंने यहाँ पर लिखा डॉट फेस अब इसके अंदर मुझे कुछ कोड लिखना पड़ेगा और स्पेसिफाई करना पड़ेगा जैसे कि इसकी पोजीशन क्या रहेगी अलग अलग अंदर पढ़ा रखा है बैकग्राउंड माइनस कलर आप चाहो तो नॉर्मल रेड ब्लू ग्रीन येल्लो लिख लो लेकिन मैं कलर कोड का यूज कर रहा हूं आप एच कलर कोड से अपने कलर्स को पिक कर सकते हो मैंने यहां पे कुछ कलर्स ऑलरेडी नोट किए हुए हैं तो मैं उसको यहां पे स्पेसिफाई कर रहा हूं और अगर मैं इसको सेव करके यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो कुछ खास दिखेगा नहीं रीजन इज मेरा हाइट और विर्थ वो अभी भी नहीं बता रखा मैंने और जब तक मैं डिव का हाइट और विर्थ नहीं बताऊंगा तो कैसे पॉसिबल है हमारा कि कुछ हमारा स्क्रीन के ऊपर दिखेगा राइट right? तो मैंने यहाँ पे कहा विर्थ थ्री हंड्रेड और इसी के साथ मैंने कहा हाइट वो भी दिखाना है मैं चाहता हूं ये स्क्वायर रहे क्योंकि मुझे बाद में इसको राउंड में कन्वर्ट करना है सर्कल में कन्वर्ट करना है अब अगर मैं इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करूं तो आप देखोगे स्क्रीन के ऊपर आपके सामने एक स्क्वायर बन करके आ चुका है ये हो सकता है आपके केस में छोटा या बड़ा दिख सकता है आपके स्क्रीन के अकॉर्डिंग स्क्रीन रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग और ग्राफिक कार्ड के अकॉर्डिंग तो इस तीन की जगह पे वैल्यूज को चेंज कर लेना अपने अकॉर्डिंग ठीक है ये मत कहना कि आपने बनाया तो अच्छा दिखा हमने बनाया तो खराब दिखा या बहुत अच्छा दिखा ये स्क्रीन के ऊपर डिफर करता है टोटली

अगर मैं यहां ऊपर जाकर के बॉडी का सीएसएस बना दूं तो देखना आप क्या फर्क पड़ता है मैंने बॉडी के अंदर कहा कि भाई डिस्प्ले क्या करना है तो मैंने कहा डिस्प्ले 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 कर फ्लेक्स डिस्प्ले कर कर क्या फ्लेक्स अब देखो यहां पे आप स्पेस दो ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पर मैंने लिख दिया डिस्प्ले कर फ्लेक्स के फॉर्म में अगर मैं इसको सेव करूं यहां पे आऊं और रिफ्रेश करूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा राइट मैंने कहा डिस्प्ले हमारा रहेगा फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट जो हमारा है वो रहना चाहिए सेंटर और अगर मैं इसको इतना करके यहां पे आकर के सेव करूं तो आप देखोगे कि वो इस एक्सिस पे कुछ इस फॉर्म में जो एक्स एक्सिस है ना उस पर वो सेंटर में चला गया पूरे पेज पे लेकिन हम चाहते हैं वो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग भी सेंटर में आए तो जस्टिफाई कंटेंट आपको क्लियर हो चुका होगा अब आप साथ ही साथ लिखोगे ए एल आई जी एन अलाइंग माइनस आइटम्स अलाइंग आइटम्स को भी आपको सेंटर करना है तो बेसिकली हम चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ये दोनों फॉर्म में सेंटर में आ जाए और यही वो चीज आप देखोगे तो हम सेंटर में लेकर के हाँ सर्कल करना है वो एक अलग चीज है है बट हमने ये काम अपना पूरा कर लिया ठीक तो हम बीचों बीच इसको लेकर के आ चुके हैं खैर इसमें कुछ और चेंजेस भी होंगे जैसे कि ये ब्लू एक अच्छा सा कलर है जिसके ऊपर ये येलो ग्लो कर रहा है तो वो भी हमें लेकर के आना है राइट वही बॉडी का हिस्सा है तो यहां पे आकर के मैं क्या कर रहा हूं मैंने इसको कर दिया और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ ये पेज के बीचों बीच रहे उसके लिए मैं मिनिमम हाइट लगा देता हूँ इसमें हंड्रेड वी एच वर्टिकली हॉरिजॉन्टली ये मैंने लिख दिया ये सेंटर में थोड़ा सा ना बेटर रहता है और एट द सेम टाइम मैं कहता हूँ कि भाई बैकग्राउंड पे एक कलर लगाना है उसका कोड है मेरा हैश टू नाइन एट जीरो बी नाइन ये भी सी एस एस के अंदर सिखा रखा है और कल की वीडियो के अंदर भी आप गूगल पे जाकर लिखना है एस टी एम एल कलर कोड्स तो आपको ये हैश वैल्यूज मिल जाती हैं ठीक है थीके? तो एज इट इज ये कलर जो है मैंने पिक कर लिया और मेरा कुछ काम हो गया राइट तो ये मैंने करके यहां लगा दिया अब मेरी रिक्वायरमेंट है ये जो मेरा शेप है जो कि फेस है वो सर्कल हो जाए अब अभी तक तो हमने ये बॉडी के ऊपर काम किया लेकिन ये तो फेस वाले सीएसएस के अंदर है राइट अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा फेस वाले सीएसएस के अंदर आ करके हमें यहां पर लिखना पड़ेगा बॉर्डर माइनस रेडियस कि भाई बॉर्डर रेडियस चाहिए हमें जो मर्जी हो मेक श्योर sure आपने इसको एक तो स्क्वायर बना रखा हो डर टू हंड्रेड बाई टू हंड्रेड फोर हंड्रेड बाई फोर हंड्रेड वो स्क्वायर हो और यहाँ पे आप आप उसको 50 कर देना जैसे ही करोगे ये एक सर्कल बन जाएगा और मैंने कहा जैसा कि की सी एस एस के अंदर सिखा रखा है ठीक है तो आप डिफरेंट आ, बहुत डिटेल में जाकर के भी प्ले लिस्ट को देख सकते हो तो एक सर्कल बन करके रेडी है तो हमारा काफी काम खत्म हो चुका है अब आंखें बनानी है हमें आईज बनाना है राइट जिसके लिए अगर आपको मैं चेक कर रहा हूं तो एच के अंदर मैंने आईज नाम का बना रखा है ओवरऑल और दो आंखों के बॉल्स के लिए मैंने आई बना रखा है आईज और आई बना रखा है ठीक है तो इसका भी सीएसएस हमें करना पड़ेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे अपने स्टाइल डॉट सी के अंदर आ जाएंगे और यहां पे आने के बाद स्टाइल डॉट सी में आने के बाद यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं डॉट आईज ध्यान दे आईज लिख रहा हूं क्योंकि ये हमारा क्लास है इसलिए मैं डॉट लगा रहा हूं अगर आपने आईडी लगा रखी है तो आप हैश लगाओगे सिंपल सी बात है बट आईज के अंदर जाने से पहले भी हमने फेस तो करते रहेगा तो बिफोर मैंने कहा कि फेस पहले, तो पहले कैसा दिखना चाहिए तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होगी मेरी अब इसके अंदर जो हमने बॉर्डर रेडियस वगैरह लगाया है उसके अंदर भी कुछ चीजें रहेंगी वो भी मैं आपको चेक कराता हूं बट उससे पहले मैंने यहाँ पे लिखा फेस बिफोर और इसके अंदर मैं अपनी कुछ सी लिख रहा हूं जैसे कि भाई इसके अंदर कुछ कंटेंट देना है क्या फेस के अंदर मैंने कहा ना भाई कोई कंटेंट नहीं है तो डबल कोट्स मैंने खाली छोड़ दिया अगर डबल कोट नहीं चलता है तो आप सिंगल कोट भी रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बस स्पेस मत देना यहां पर अब इसका एक कुछ ना कुछ कलर इसका भी हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर वो भी दिखे कि एक्चुअली इससे क्या बन करके आ रहा है तो मुझे कलर कोड उसका भी मालूम है मैं यहां पे लिख देता हूं उसको बी फाइव सेवन सेवन जीरो जीरो और ये किया अब ये भी शो नहीं होगा सी बात है जब तक मैं इसकी हाइट और विर्थ नहीं लगा देता तो मैं वो भी कर देता हूँ फटाफट से तो मैंने यहां पे किया डब्ल्यू आई डी टी एच विर्थ कोलन लेटेस्ट से मैं इसको डेढ़ सौ पिक्सल कर रहा हूँ आप अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग कम ज्यादा इसको जरूर कर लेना और यहाँ पर मैं हाइट भी लगा रहा हूँ लेटेस्ट से मैंने इसकी हाइट की सेवेंटी पिक्सल्स और सिंपली मैं इसको सेव करके यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे राइट right. मैंने बैकग्राउंड के अंदर एक कलर लगाया मैंने यहां पे लिखा हैश बी फाइव सेवन सेवन जीरो जीरो कोई फर्क नहीं पड़ा इसकी पोजीशन वगैरह भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि भाई ये रहेगा कहाँ पे तो मैंने कहा पोजीशन कौन सी पोजीशन चाहिए मुझे वो चाहिए मुझे इसकी पोजीशन एब्सल्यूट ठीक है अगर मैं ये करके आपको रिफ्रेश करके यहां पे आकर के चेक कर रहा हूं तो देखो आंखें बन चुकी है अब वैसा नहीं है बट मैंने कहा ना ये आईज है ओवरऑल जो मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पे एक ओवरऑल एक बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर छोटे छोटे हमारी आंखें हैं तो वो हमने कर लिया राइट right? वो एक आ चुका है हाँ कलर वगैरह अभी चेंज करेंगे डोंट वरी अबाउट दैट वो हम करेंगे सो so, यहाँ पे आकर के मैंने उसको ये कहा कि पोजीशन जो है ना वो इसकी एब्सल्यूट रहेगी और टॉप से भी इसको एक पोजीशन स्पेसिफाई कर देता हूं कि भाई ऊपर से कितना रहना चाहिए मैंने कहा 180 सौ अस्सी पिक्सल्स ये वैल्यू भी आप अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग देख लेना अगर एडजस्ट ना हो तो, तो देखना ऊपर से 180 सौ अस्सी पिक्सल्स हो गया हमारा सॉरी uh, ये हमारा फेस है मैंने गलत बोला आपको नॉट आंखें ये हमारा माउथ है ठीक है इस कलर का ये है वो तो ये हमारा वो चल रहा है फिलहाल क्योंकि मैं फेस कोड कर रहा हूं ना अभी तक मैंने अभी तक आई नहीं उठाया हुआ सो so, ये हमारा 180 सौ मैंने इसको ऊपर से स्पेसिफाई किया कि इतना तो होना चाहिए अब इसके बाद मैं क्या कहता हूं आप चेक करो अगर तो जो हमारा ये माउथ है इसका मैं माउथ लेके जाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है वो चेंज हो रहा है बट वो नीचे से यू बना हुआ है इसका जो माउथ है ना ये वो नीचे से यू बना हुआ है राइट तो यू शेप एक स्माइली सा शेप चाहिए वो भी बॉर्डर रेडियस के थ्रू ही करना पड़ेगा लेकिन एक्चुअली हमें दोनों एंगल से करना पड़ेगा कि लेफ्ट साइड से कितना कर्व हो राइट right साइड से कितना कर्व हो क्योंकि अगर डायरेक्ट कर देंगे तो ये एक सर्कल बन जाएगा और मुझे सर्कल नहीं चाहिए तो मैंने क्या कहा यहां पे बॉर्डर और बॉर्डर के अंदर लिखना पड़ता है हमें बॉर्डर बॉटम माइनस बॉर्डर बॉटम राइट माइनस रेडियस ठीक है बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस बड़ा ही सिंपल है सेवेंटी पिक्सल्स कर रहा हूं अगर आपने ऊपर की ये सारी वैल्यूज को अलग रखा है तो उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लेना बॉर्डर बॉटम बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस ठीक है बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस और एक लेफ्ट रेडियस रहेगा तो राइट right से मैं क्या कह रहा हूं चलो मैं इसको फिलहाल लेफ्ट uh, कर देता हूं तो लेफ्ट से मेरा मतलब रहेगा बॉर्डर जो बॉटम का है मतलब नीचे का जो बॉर्डर है लेकिन लेफ्ट वाला उसको कर्व करना है इस वाले हिस्से को कितना कर्व करना है मैंने उसको बता दिया सेवेंटी पिक्सल्स ये कम ज्यादा हो सकता है आपके केस में ठीक है सत्तर पिक्सल्स तो मैंने कहा कर इसको कर्व कर तो उसने कर दिया सिमिलरली मैं इस फाइल को पूरा लाइन को कॉपी कर रहा हूं कॉपी करके मैं यहां पर आकर के पेस्ट करता हूं और मैंने कहा राइट वाले को भी ऐसे ही कर्व कर दे तो वो मैंने लिखा यहां के रिफ्रेश किया तो आप देखोगे ऑलमोस्ट ये चीज हमारी बन चुकी है अब यहां पे है कुछ प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम Problem क्या है ये सेंटर में नहीं आ रहा जैसे हमारा ये आया हुआ है और सही से एक इंपैक्ट दे रहा है हम वही चाहेंगे कि यहां भी वही चीज हो तो जैसे हमने बॉडी के अंदर अपने इस येल्लो चीज को बीच में लाने के लिए अलाइंग आइटम फ्लेक्स ये वो किया ऐसे ही हमें इस ओवरऑल जो हमने बना रखा है ना ये फेस इसके अंदर भी इसकी भी सीएसएस की प्रॉपर्टी में वही सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी कि इसके अंदर आंखें और बाकी सारी चीज़ें जो भी आए वो सेंटर में रहे तो उसके लिए मैं वापस ऊपर आ रहा हूँ फेस वाले में और इसके अंदर मैंने बॉर्डर रेडियस वगैरह ऑलरेडी कर दिया है और इसको भी मैंने कहा कि भाई जो डिस्प्ले रहेगा वो फ्लेक्स रहेगा ठीक है और जो इसकी अलाइंग आइटम्स रहेंगी वो सेंटर रहेंगी और जस्टिफाई कंटेंट जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया वो भी सेंटर रहेगा ठीक है अब देखो ना इसके अंदर आंखें वगैरह हम जो भी बनाएंगे वो सही तरीके से सेंटर में आ जाएगा कुछ इस फॉर्म में देखो आप एग्जैक्ट हमारा वो मैच कर रहा है और काफी अच्छा लग रहा है राइट right? वो काम हमने पूरा कर लिया यहां पे अब मेरा कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं है सबसे पहले तो आंखें बनाते हैं उसकी कि ये एक सर्कुलर आंखें कैसे बनेंगी तो उसके लिए अगर मैं आपको अपने एच के अंदर चेक कर रहा कराऊं तो ओवरऑल बना रखा है मैंने आईज और उसी के साथ साथ उसके छोटे छोटे आंखों के लिए मैंने क्या बना रखा है आई बना रखा है दोबारा आता हूं अपनी स्टाइल शीट के अंदर और इसके बाद मैं क्या कहता हूं इसको कि भाई यहां पे डॉट ई अब इससे पहले एक सेकंड मैं आपको कुछ और चेक कर रहा हूं अगर इसको हम चाहते हैं ये भी चाहते हैं कि जैसे हम माउस लेकर के जाए तो इसका जो फेस है ना वो सैड टाइप का हो जाए राइट तो वो एनिमेशन हम पहले क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आंखों पर जो कि अभी हमारे केस में नहीं हो रहा है ठीक है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ये मेरा फेस है और बिफोर पोजिशन पे है ये मैं कहता हूं कि भाई क्या करना है तो मैंने कहा जो मेरा फेस है ना जब इसके ऊपर सिंगल कोनल रहेगा यहां पे हॉवर हॉवर का क्या, क्या मतलब होता है जब इसके ऊपर कुछ इस तरीके से माउस लेकर के जाए तो क्या हो तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते ऑवर को एच ओवर भी पढ़ सकते हो इसको तो इसके अंदर मैंने कहा बिफोर कि देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बिना बिफोर भी के चल जाती है बट कईयों में हमें लगाना पड़ जाता है तो मैंने कहा इसमें क्या चीजें रहेंगी सबसे पहले तो इसका एक कलर स्पेसिफाई कर देता हूं ताकि आप लोग इसको भी चेक कर पाओ बट इसमें आई डोंट थिंक कलर जरूरत है मुझे तो मैंने कहा कि टॉप है ना टॉप से क्या कर दो पिक्सल इसका एक एंगल सेट करना है तुझे टॉप से दो पिक्सल का एक एंगल सेट करना है ठीक है आई डोंट थिंक आपको इतने में कोई डाउट होगा अब इसका एक बैकग्राउंड भी स्पेसिफाई कर रहा हूं मैं बैकग्राउंड क्या होगा तो मैंने कहा हैश बी फाइव सेवन सेवन जीरो जीरो और यह किया और बात है, मुझे इसका कुछ और भी देना पड़ेगा तो मैंने यहां पे लिखा हाइट लेट अस से ट्वेंटी पिक्सल्स ध्यान दें ऑलरेडी ये काफी ज्यादा है जैसा कि अगर आप यहां चेक करो तो सत्तर पिक्सल है लेकिन मैं ट्वेंटी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जैसे ही इसमें माउस जाएगा वो कम हो जाना चाहिए और ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है राइट तो यहां पे पोजीशन टॉप की कुछ और है और इसमें मैं यहां पे 210 पोजीशन दे रहा हूं ताकि ये नीचे शिफ्ट हो जाए तो यहां पे टॉप से पोजीशन 180 है और यहां पे 210 है ताकि और नीचे आ जाए ठीक है तो हाइट मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया और एक विर्थ भी स्पेसिफाई कर रहा हूं कि भाई विर्थ कितनी रहेगी जब इसके ऊपर माउस जाए तो लेटेस्ट से अगर मैं इसको वन फिफ्टी कर दूं तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर अगर मैं इसके अंदर सेव करूं लेकिन अब देखो मैं माउस लेके जा करके रिफ्रेश करूँ तो ये देखो एक सेकेंड के अंदर हो रहा है वो लेकिन कर्व है हमें कर्व नहीं चाहिए हमें चाहिए थोड़ा सा स्लो मोशन में एक अच्छा सा एनिमेशन ले करके आए राइट तो वो हमें क्रिएट करना है और टाइम के साथ क्रिएट करना है थोड़ा सा डिले लेकर के आना है तो मैंने हाइट दे दिया है इसको विर्थ दे दिया है इसको राइट अब एट द सेम टाइम अगर आप यहाँ चेक करोगे तो यहाँ पे कोई कर्व नहीं है एक रेक्टेंगल है बट यहाँ पे मेरे साइड से ये कर्व आ रहा है जो कि मुझे नहीं चाहिए बॉर्डर लेफ्ट बॉर्डर राइट का जो है ना तो ये दोनों लाइनें मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे आकर के मैं पेस्ट कर रहा हूँ मैं इसको कहता हूँ कि भाई जीरो पिक्सल्स वो नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ और मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करके अगर अब जाऊँ तो आप देखोगे स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर अगर हम चेक करें तो वो काम हमारा पूरा हो गया बट थोड़ा सा इस लो होना चाहिए जो कि एक सेकेंड विद इन एक सेकेंड भी नहीं कहूँगा माइक्रो या मिली सेकेंड के अंदर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है जो कि इस केस में बड़े प्यार से और आराम से हो रहा है तो एक डिले लेकर के आना पड़ेगा मुझे अब वो डिले कहाँ रहेगा आपका वो इसके अंदर नहीं रहेगा डिले आपका ऊपर वाली लाइन पर रहेगा यहां पे आपको लगाना है ट्रांजिशन टी आर एन एस आई टी आई एन ट्रांजिशन आप लगा दोगे 0.5 पॉइंट एस ध्यान दे एस आई ए जीरो पॉइंट एस यानी कि आधे सेकंड के अंदर अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो आप देखोगे हाफ सेकंड के अंदर वो मूवमेंट हो रहा है अगर नहीं समझ में आया तो बढ़ा के दिखा देता हूं सेकेंड कर देता हूं तो बहुत धीरे धीरे करके ये मूवमेंट करेगा सी दिस ये देखो आई थिंक अब आपको क्लरिफाई हो चुका होगा तो मैं इसको वापस जीरो पॉइंट फाइव सेकेंड आधा सेकेंड कर रहा हूं एक सेकेंड का आधा हाफ तो ये अब एक अच्छा सा इंपैक्ट दे रहा है और ये हमने क्रिएट कर लिया अब हमें क्या चाहिए इसकी आंखें बनानी है राइट right? तो फटाफट से इसकी आइज बनाते हैं और देख लू मैं यहां पे कि अगर कुछ हमारा पेंडिंग वेंडिंग छूट गया हो तो बट आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कुछ पेंडिंग छूटा है सिवाय आंखों के सो मैं लास्ट में आ गया यहां पे आके मैं कहता हूं डॉट और डॉट के अंदर मैंने कहा वाई एस ध्यान दे आईज लिख रहा हूं मैं यहां पे नॉट आई आई अभी बाकी है हमारा मैंने कहा भाई इसकी पोजीशन क्या रहेगी लेकिन पोजिशन वोजिशन स्पेसिफाई करने से पहले और वैसी बात है यहां पे मैं कहता हूं कि भाई पोजिशन इसकी क्या रहेंगी अब पोजिशन से मेरा क्या मतलब है देखो सबसे पहले तो मैं इसका आपको इसका बॉर्डर लगा करके दिखा देता हूं बॉर्डर टू पिक्सल सॉलिड ब्लैक और मैंने कहा पोजीशन इसका क्या रहेगा एप रहेगा ठीक है तो मैंने कहा पोजीशन इसका absolute रहेगा नॉट ल्यूट सॉरी इस केस में हमारा रिलेटिव चाहिए हमें जो कि मैंने आपको सी के अंदर सिखा रखा है पोजिशन रिलेटिव रहेगा और ऊपर से यह किस पोजिशन पर आना चाहिए तो मैं इसको कहता हूं कि भाई ये ऊपर से ना एक्चुअली माइनस 40 पिक्सल्स पे रहना चाहिए मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन के अकॉर्डिंग ठीक है और डिस्प्ले क्या कर डी आई एस पी एल ए वाई मैंने कहा डिस्प्ले इसको भी फ्लेक्सी करना है बात है इसके अंदर जो आंखें बनेंगी छोटी छोटी उसे भी फ्लेक्स के फॉर्म में करना है मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं तो आप देखोगे ये देखो ये एक डॉट बन करके आया है इससे ओवरऑल ठीक है तो बेसिकली ये बड़ी आंखों का साइज होगा हमारा ओवरऑल यहाँ पे तो मैंने वो चीज यहाँ पे बना करके रेडी किया है अब मुझे बॉर्डर की कोई जरूरत नहीं है तो मैं उसको हटा रहा हूँ बस आप लोगों को दिखाने के लिए था मेन काम जो आप इसके अंदर करोगे वो रहेगा आपका पोजिशन रिलेटिव माइनस फोर्टी पिक्सल कार्ड लगा हो तो को चेंज करके देख लेना आईज आईज तो के अंदर डॉट आई जो मैंने बना रखा है छोटे छोटे जो मेरी आंखें हैं दोनों उसकी भी सीएसएस करनी पड़ेगी अब उस आंखों का एक बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा कि वो आंखें जो हैं हमारी वो एक्चुअली कौन से कलर का रहेगा तो हैश, एफ, एफ, एफ मैंने इसको कह दिया इसी के साथ जो आंखें हैं ना छोटी छोटी उसका कंप्यूटर स्क्रीन के अकॉर्डिंग अस्सी पिक्सल्स कर रहा हूं और एक हाइट भी स्पेसिफाई कर रहा हूं मुझे आंखें भी सर्कल करनी है तो फिलहाल इसको भी 80 पिक्सल्स कर रहा हूं और अगर आपको सेव करके यहां पे चेक कराऊं तो आप देखोगे कि स्क्वायर बॉक्स बन करके आपके सामने रेडी है जो मैंने कहा ना ओवरऑल ये कुछ ऐसा है जिसको हम बाद में दो पार्ट्स में तोड़ देंगे फ्लेक्स के अकॉर्डिंग और मार्जिन वगैरह दे करके दोनों के बीच में ठीक है तो ये मेरा वो काम स्पेसिफाई कर रहा है कि एटी पिक्सल्स में हमारा ये काम हो गया अब एट द सेम टाइम मैंने पोजिशन तो स्पेसिफाई अभी तक नहीं किया तो पोजिशन भी स्पेसिफाई कर देता हूं कि भाई पोजिशन क्या रहेगी रिलेटिव सेव करता हूं यहां पे आता हूं रिफ्रेश करता हूं कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिलता है हमें राइट पोजिशन यहां पर आपका रहेगा रिलेटिव अब मेन काम हमारा अब आता है यहां पर पोजिशन रिलेटिव देने के साथ साथ मैं क्या कह रहा हूं इसको कि ये कर्व देना है बी ओ आर डी ई आर बॉर्डर रेडियस कि भाई ये कर्व बना जरा इसको सर्कुलर बना तो मैंने इसको 50 परसेंट कर दिया और अगर आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो दो छोटी छोटी आंखें छोटी तो नहीं है बट दो आंखें बन गई है आपस में जुड़ चुकी हैं जो कि हमारा यही है इसके बीच में ये गैप चाहिए इस गैप को हम मार्जिन कहते हैं अपने सी के अकॉर्डिंग ठीक है तो इसके बीच में हम मार्जिन देने वाले हैं क्योंकि फ्लेक्स लगा हुआ है यहां पे डिस्प्ले अगर ये ना लगा होता अगर मैं इसको हटा ओवरऑल आंखों का आपने नहीं बनाया होता तो ये एक के ऊपर एक ऐसा कुछ होता तो फ्लेक्स के कारण ना वो थोड़ा सा ऐसे फॉर्म में भी आ जाता है तो मैं कंट्रोल जेड से उसको वापस कर रहा हूं ठीक है अब इसके बीच में मुझे स्पेसिफाई करना है कुछ मार्जिन होना चाहिए ताकि ये थोड़ा सा गैप लेकर के आ सके तो मैंने कहा मार्जिन तो बॉटम से, से मुझे नहीं चाहिए लेफ्ट और राइट से पंद्रह मतलब बना कि इस जगह पे और इस जगह पे गैप देने की जरूरत नहीं है इस जगह पे और इसके राइट पोजीशन पे गैप देना है तो आप देखोगे सेपरेट हो गया वैल्यू को कम ज्यादा करके देख लेना कितने पे अच्छा लग रहा है ठीक है तो ये चीज भी मेरा बन करके तैयार हो चुका है राइट ये जो चीज है मेरी आंखें बन करके तैयार हो चुकी है एनिमेशन बाकी है और उसके अंदर की आई बॉल्स बाकी है हमारी जो कि हमारा ब्लैक कलर का है ठीक है आई डोंट थिंक आपको इतने में कोई डाउट होना चाहिए और ये काफी अच्छा लग रहा है देखने में तो रिफ्रेश करता हूँ अब बात करते हैं अब आंखों के अंदर की बॉल्स की तो फिलहाल अगर हम यहाँ पर एक बार क्रॉस चेक करें तो फिफ्टीन पिक्सल्स हो चुका है हमारा और सारा काम हमने कर लिया राइट सो so, अब इसके बाद मुझे चाहिए इसके अंदर की आंखों की बॉल्स वो कैसे बनेंगी तो ज्यादा कुछ नहीं है उसके लिए भी उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पर जा रहा हूँ और मैंने यहाँ पर लिखा डॉट जो मेरा आइज़ है आइज़ के अंदर जो आई है छोटे छोटे उसके अंदर मैंने यहाँ पर डबल कोलन के अंदर लिख दिया बिफोर और उसके बाद मैंने उसके अंदर भी कुछ कंटेंट्स बना दिए तो यहाँ पे आ गया मैं और मैंने क्या कहा कंटेंट इसके अंदर देना है कुछ लिखना है क्या मैंने कहा ना भाई कुछ नहीं लिखना डबल कोट मेरा खाली रहेगा नो स्पेसेस कोई स्पेस आप नहीं दोगे आई डोंट थिंक आपको यहाँ पे कोई डाउट होना चाहिए और ऑब्वियस ही बात है इसका कोई बैकग्राउंड कलर होगा आप डायरेक्ट लिख देना ब्लैक कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैंने यहाँ पे कहा बैकग्राउंड हैश वैल्यू है हमारे पास थ्री 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 और इसका एक वर्थ देना पड़ेगा डब्ल्यू आई डी टी एच वर्थ कितना होगा तो मैं अपने केस में यहाँ पे कह रहा हूँ लेटेस्ट से फोर्टी पिक्सल्स और एक हाइट भी मैं इसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ लेटेस्ट से ऑबियस बात है इसको भी राउंड करना है तो इसको भी सेम रखना पड़ेगा फोर्टी पिक्सल्स अब अगर सेव करके यहाँ पे आके रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो ये किसी कोने में आया है डोंट वरी पोजीशन वगैरह देंगे तो वो आ जाएगा तो मैंने इसका कहा पोजीशन क्या पोजीशन इसका होना चाहिए तो इस केस में मुझे चाहिए इसको एब्सल्यूट पोजीशन देना है सेव करके यहाँ पे आके रिफ्रेश करके दिखाऊं तो या नहीं, नहीं, नहीं आया आई थिंक सेव नहीं हुआ था अब अगर चेक करें तो ठीक है किसी कोने में वो है अब इसको एक काम करते हैं पोजीशन थोड़ा और डिटेल में देते हैं ताकि थोड़ा सा दिखे तो मैंने इसको कहा और थोड़ा से एक कर रहा हूं कि पचास परसेंट पे आ जा क्योंकि अभी मुझे रहा रिफ्रेश करूं तो स्टिल वो हमारे पास प्रेजेंट नहीं है अब क्यों नहीं है मैंने यहाँ पे लिखा डॉट ओके मैं एक डॉट लगाना भी भूल गया इस जगह पे सो एक डॉट लगा लेना अब देखोगे यहां पे तो वो हमारे पास स्क्वायर बन करके आ चुका है जो कि इस केस में सर्कल है अब वो बनने के बाद मूवमेंट देना है वो एक अलग चीज है सो so, वो भी हमें करना है राइट right? सो so, उस चीज के लिए यहां पे आकर के मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो ये बनके तैयार तो है बॉर्डर रेडियस लगा के ये सर्कल हो जाएगा तो यहां पे मैं आ गया और मैंने इसको कहा बी ओ आर डी ई आर माइनस रेडियस और वैसी बात अब तक आप समझ चुके होंगे 50 परसेंट अगर आप करोगे 50 परसेंट अगर आप करोगे तो वो सर्कुलर बन जाएगा ये देखो अगर रिफ्रेश करूँ तो बाई डिफॉल्ट वो लेफ्ट साइड पर रहता है सेंटर में ठीक है और मेरे केस में वो नीचे की तरफ है तो कुछ पोजिशन इसकी भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी इतना कुछ टफ नहीं है तो बॉर्डर रेडियस देने के बाद आपको क्या करना है लेफ्ट से ये कहां पे होना चाहिए तो मैंने कहा कि भाई ये लेफ्ट से ना 25 पिक्सल्स का गैप दे जरा इसको क्योंकि एक्चुअली ये स्क्रीन के बाहर आ गया तो अगर मैं रिफ्रेश करूं तो आप देखोगे 25 पिक्सल उस तरफ चला गया ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज हो सकती है ठीक है तो वो आप एक बार देख लेना मैंने कहा लेफ्ट से थोड़ा सा ट्वेंटी फाइव पिक्सल्स पे इसको एडजस्ट कर और सही तरीके से एडजस्ट कर ठीक है तो मैंने कहा लेफ्ट से ट्वेंटी पिक्सल्स का गैप हमें देना है और राइट right, इसके साथ साथ मुझे क्या करना है इसका शेप भी चेंज करना है और इसकी कुछ मूवमेंट्स देनी है तो इसके लिए आप यूज करोगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म में क्या रहने वाला है कि ट्रांसलेट कर इसे ये मैंने आपको कल परसों के लेक्चर में भी सिखा रखा है कैसे चेंज होगा मैंने कहा माइनस पचास पिक्सल्स पे इसको चेंज करना है नॉट पिक्सल्स परसेंटेज पे कॉमा माइनस फिफ्टी पिक्सल्स एक्स और वाई एक्सिस मैं दोनों बता रहा हूं इसको और मैं इसको सेव करके यहां पे आकर के रिफ्रेश कर रहा हूं तो आप देखोगे फिफ्टी पिक्सल इस तरफ घूम गया वो ठीक है एक्स और वाई एक्सिस से क्योंकि पहले नीचे भी था ना वो तो ऊपर भी पचास पिक्सल चला गया और लेफ्ट को भी पचास पिक्सल आ गया हमारे इस लाइन के कारण तो आप देखोगे मैंने मैक्सिमम काम मेरा कवर अप कर लिया है अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो वो एज इट इज काम हमारा बन करके रेडी है माउथ के ऊपर ये ले करके जाने पे भी एनिमेशन हमने क्रिएट कर लिया है बस ये आंखों को एक बार मूव कराना है तो उस काम को हम थोड़ा सा देखते हैं कैसे ये पॉसिबल होगा डेट सेट सीएसएस के अंदर इतना ही था खैर बहुत ज्यादा है इतना तो ये नहीं है और एच टी एमएल में तो कुछ था ही नहीं खास अब जो काम होगा हमारा वो रहेगा जावा स्क्रिप्ट के थ्रू अब जो भी हमारा इस एनिमेशन और चीजों का परफॉर्म करने के लिए चाहिए है वो जावा स्क्रिप्ट के थ्रू पॉसिबल है ठीक है आई होप आपको इतना तो समझ में आ चुका होगा डिटेल में अगर कोई चीज ना समझ में आए कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई नाइन्टी परसेंट समझ लो बहुत है जैसा कि मैंने कहा एच टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट की डिटेल्ड प्ले लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है अब मुझे इनके कुछ मूवमेंट्स करानी है इस चीज पे तो वो भी एक बार हम चेक कर लेते हैं ठीक है तो उसके लिए यहाँ पे हमें जावा स्क्रिप्ट को अप्लाई करना पड़ेगा सो मूवमेंट के लिए कुछ नहीं करना हमें मतलब करना तो बहुत कुछ है सीधा आप एच की फाइल पे आ जाओगे जो कि मेरा फेस डॉट एच है और ये जो हमने डेव वगैरह बना रखे है ना उसके बाद आप जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट कर सकते हो आप चाहो तो बॉडी क्लोज होने के बाद कर लेना या ऊपर कर लेना यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता बट जहाँ मैं कर रहा हूँ वहीं कर लो फायदे में रहोगे क्यों खा पंगे लेने और एर लेने है ना जब आपको चीज़ सही से मिल रही है तो सो so, यहाँ पे मैं आ गया जावा स्क्रिप्ट यूज़ करना है तो आपको बेसिकली स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करना पड़ता है अब स्क्रिप्ट टाइप इक्वल्स टू जावा स्क्रिप्ट ये वो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल तो आप डायरेक्ट स्क्रिप्ट टैग लिखो और स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दो ठीक है तो मैंने यहां पे अपने स्क्रिप्ट टैग को लिख करके रेडी कर लिया अब मेरे भाई मैं बता दू बहुत कम चीजें समझाऊंगा मैं यहां पे जावा स्क्रिप्ट की क्योंकि इसके अंदर मैथ्स के बहुत सारी चीजें हैं और ऑलरेडी मैंने जावा स्क्रिप्ट बहुत डिटेल में सेवेंटी प्लस वीडियो बना रखी है जिसको आप बहुत डिटेल में समझ सकते हो तो मेक श्योर sure आप उसको चेक कर लेना ठीक है ऑलरेडी ये वीडियो चालीस पचास मिनट पहुंच चुकी होगी सो मैं इतनी बड़ी वीडियो तो नहीं बना सकता गला दुख जाता है ठीक है सो मेक श्योर आप डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए उसको एक बार रेकमेंड करना जरूर देखना उसको तो मैं यहां पे क्या लिखता हूं मैं यहां पे लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर एस ई एल ई सी टी ओ आर जो मैं कैपिटल लिख रहा हूं आप कैपिटल लिखना और जो स्मॉल लिख रहा हूं स्मॉल लिखना और बहुत ध्यान से देख करके लिखना होप सो so, मेरे से यहां पे कोई एरर जनरेट ना हो डबल कोट के अंदर आएगा आपको बॉडी की हमारे बॉडी के अंदर जो पूरे पेज पे चीज़ें हैं उसके लिए मैंने कहा ऐड कर क्या ऐड कर इवेंट एक ऐड करना है इवेंट एल आई एस टी एन ई आर एल आई एस टी ई एन ई आर ये भी ध्यान देना जरा एक इवेंट ऐड करना है और जावा स्क्रिप्ट के इवेंट्स के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है बहुत डिटेल में लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक माउस क्लिक माउस मूवमेंट ये वो सारा कुछ मैंने बता रखा है मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे अगर मैं आपको डिटेल में समझाऊँ तो मुझे एक इवेंट क्रिएट करना है कि ये जैसे जैसे मेरा माउस मूव हो वैसे वैसे ये के जो बॉल्स है ना वो भी मूव हो एक इवेंट जनरेट कर रहा हूं मैं ठीक है तो वो चीज मैंने लिखा अब इवेंट किस चीज के लिए होगा हमारा माउस के लिए माउस की मूवमेंट माउस मूव कॉमा और ये जो माउस मूव है बेसिकली वो डबल कोर्ट्स के अंदर आएगा ठीक है तो माउस मूव के लिए आपको एक इवेंट जनरेट करना है और उसकी जो आई बॉल बना रखी है मैंने अब इस आई बॉल की जगह आप कुछ भी लिख लेना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये मेरा एक आर्ग्यूमेंट फंक्शन है मैं इस नाम से फंक्शन बनाने वाला हूं तो आप इसको चेंज कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब मैंने उस फंक्शन को बना दिया मैंने कहा एक फंक्शन है कौन सा है वो आई आई बॉल नाम से एक फंक्शन है अब ये कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला आई बॉल नहीं है आंखों की बॉल्स की बात हो रही है राइट सो so मैंने कहा फंक्शन आई बॉल अभी आई बॉल कैसे काम करेगा तो मैंने कहा एक वेरिएबल है मेरे पास क्या है आई है आई की जगह पे आप जो मर्जी लिख लेना फर्क नहीं पड़ता मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल क्या करना है डबल कोट्स के अंदर डॉट आई लिखना है आपको ठीक है आईज नहीं आई आईज और आई में कंफ्यूज मत होना ये मैंने कहा और यहां पे कहता हूं आई डॉट फॉर ईच अब फॉर each एक लूप है ध्यान रखना इस चीज़ को फॉर each के साथ ब्रैकेट स्टार्ट किया और फंक्शन स्टार्ट कर दिया एक ठीक है किस चीज़ के लिए चाहिए मुझे एक आई नाम से अब ध्यान दो स्टार्ट तो मैंने भले ही यहाँ पे किया है इसको बट मैं क्लोज नहीं करूँगा इस जगह पे ये साथ साथ नीचे फॉलो होता रहेगा और ये यहां पे खाली रहेगा ये जो अभी फ़िलहाल है ना वो इस जगह पे है. ध्यान देना इस बात को सो so, इसको मैंने ये किया अब इसके साथ साथ मैं क्या कर रहा हूं यहां पे मैं नेक्स्ट लाइन में आकर के कहता हूं लेट एक्स इक्वल्स टू इस एक्स की जगह पे आप कोई और वेरिएबल ले सकते हो आई डॉट गेट बाउंडिंग गेट बाउंडिंग क्लाइंट सी एल आई ई एन टी गोल वाले ब्रैकेट लेफ्ट प्लस आई डॉट क्लाइंट विथ ये ध्यान देना आप और स्लैश टू आप लगाओगे ये कुछ हमारा मैथमेटिक्स स्टार्ट हो गया बताता हूं थोड़ी देर में ये आपका पहला लाइन रहने वाला है इसके अंदर और ये एक्स और वाई क्या कर रहा है मैं आपको वो भी समझाता हूं और कॉपी किया मैंने और पेस्ट किया दूसरा मैंने यहां पे बना लिया एक वाई गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट ये भी करेगा पहला वाला हमारा लेफ्ट था ये वाला हमारा टॉप है आई रहेगा यहां पे भी सब कुछ सेम रहेगा लेकिन विर्थ की जगह पे बन जाएगा ये हाइट स्लैश टू यहां भी रहने वाला है जहां पे एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट को यानी कि इस वाले फॉर्म को और वाई रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे वाई कोऑर्डिनेट को ये वाले फॉर्म को तो एक्स के कारण क्या हो रहा है हम जितने मूवमेंट इस टाइप में कर रहे हैं इस लाइन में कर रहे हैं ये उसकी मूवमेंट लेकर के आ रहा है और अगर हम माउस ऊपर लेकर के जा रहे हैं तो वाई कोऑर्डिनेट के मूवमेंट्स हो रहे हैं ठीक है ये वो चीज़ है तो वही चीज़ मैंने यहाँ परफॉर्म किया तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया ठीक है एक्स और वाई क्या करता है मैंने आपको इन शॉर्ट बताया इसके आगे मैं लिख रहा हूँ लेट ये एल जो है ना वो छोटा है स्मॉल एल है नॉट कैपिटल एल वो कुछ ऐसा दिखता है तो लेट के अंदर मैंने अगेन एक वेरिएबल बना दिया अस से आर ए डी आई ए एन रेडियन अब इसकी जगह पे भी आप कुछ भी लिख सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता और यहां पे जुड़ेगी हमारी थोड़ी सी मैथमेटिक्स एम ए टी एच यहां पे आपको लिखना है मैथ डॉट ए टी एन टू अटेन कैल अटेन तो नहीं है एटेन है है जो भी हो फर्क नहीं पड़ता हमें प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंशिएशन हमारी अलग हो सकती है और मैंने कहा एक इवेंट है इवेंट डॉट पेज एक्स अब ये एक्स जो है हमारा कैपिटल है ठीक है और इसके साथ आप स्पेस दे करके माइनस स्मॉल एक्स लिखोगे और नीचे कॉमा लगा के आप यहां स्पेस दो ना दो इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा और यहां पे आपको लिखना है इवेंट डॉट पेज कैपिटल वाई स्पेस माइनस स्मॉल वाई ये आपको लिखना है और बाहर आकर के सेमी कोलन दे देना है ठीक है एंटर आपको करना है और यहां पे अगला मैं लिख रहा हूं लेट आर ओ टी आर ओ टी की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो बेसिकली मुझे रोटेशन के लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया अब देख रहे हो ना आंखें गोल गोल रोटेट कर रही हैं ये मूव कर रही हैं तो इसके लिए जस्ट मैंने आर ओ टी बना लिया रोटेशन के लिए और इतना कुछ खास इसका नाम देने का कोई सेंस नहीं है रोटेशन लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैंने कहा रोटेशन कैसे काम करेगा तो मैंने कहा जो मैंने ऊपर रेडियन बना रखा है ना एक वेरिएबल जो भी उसके अंदर हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है मैंने कहा उसके साथ कुछ हमें चेंजेस करने हैं क्या चीज है वो मैंने रेडियन के कहा मल्टीप्लाई कर इसको 180 से स्लैश एक मैथ का फंक्शन यूज कर रहा हूं मैथ डॉट पाई अब पाई आपको मालूम होगा 22 टू अपॉन सेवन या 3.14 ये वही वैल्यू है एग्जैक्ट मैंने कहा एक पाई थोड़ा सा यूज करना है मैथ का ताकि थोड़ा सर्कुलर फॉर्म में भी ये घूमे और मैंने कहा इसको मल्टीप्लाई कर स्पेस दे करके मैंने कहा किससे मल्टीप्लाई कर वन से प्लस क्या कर इसके अंदर टू सेवेंटी नीचे आया मैं और मैंने कहा आई डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म आंखों की स्टाइल जो है उसको ट्रांसफॉर्म शेप चेंज करना है कुछ मूवमेंट करना है कुछ एनिमेशन करना है उस चीज के लिए मैंने ये लिखा कि भाई उसको ट्रांसफॉर्म करना है वो क्या है रोटेट कर उसे अब इस रोटेट को चेंज मत कर देना ठीक है ये रोटेट एज इट इज ऐसा ही रहेगा रोटेट कर रोटेट में क्या करना है प्लस कर आर ओ टी अब ये आर ओ टी कहां से आया यही ऊपर वाला फॉर्मूला रोटेशन कैसे होगा आर ओ टी उसके साथ एक डिग्री हमें जोड़ना है और इसको भी आप चेंज मत करना कि डिग्री पे जोड़ना शुरू कर 180 डिग्री 360 डिग्री पाई के अकॉर्डिंग जो भी ये प्लस माइनस करके फॉर्मूला लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग कर और डबल कोट यहां पे और ये लगा दिया मैंने ठीक है और इसके बाद मैंने इसको सेव कर रखा है फिलहाल अब नीचे अगर आप देखोगे तो ये हमारा यहाँ पे क्लोजिंग है और इससे पहले हमें क्लोज करना है यहां पे अगर मैं आपको चेक कर रहा हूं तो हमने ओवरऑल भी एक फंक्शन के बाद आई थिंक हमारा एक सेमिकोलन इज मिसिंग सो हमें वो भी क्लोज करना है ना वो कहाँ पे होगा तो यहां पे अगर आप ध्यान दो तो इस जगह पे इस पॉइंट पे आने के बाद आपको एक ब्रेसिस बंद कर देना है ठीक है तो आप ध्यान से एक ब्रेसिस यहाँ पे बंद करोगे उसके बाद ये और सेमीकोलन तो मैं चेक कर पा रहा हूँ शायद कहीं ना कहीं एक ब्रेसिस हमारा मिस हो गया ये यहाँ स्टार्ट हुआ और ये यहां क्लोज हो गया तो ये जो हमारा है वो ओवरऑल एक एक्स्ट्रा आ गया शायद या कहीं पे मिसिंग है सो so अगर मैं वो मैच करूं यहां पे होप सो ऐसा ना भी हो सकता है सो so हम एक बार देख लेते हैं कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं है फंक्शन हमारा आई बॉल आई बॉल के साथ हमने इसको स्टार्ट किया और यहां पर इस जगह पे भी हमें स्टार्ट करना है ठीक है परफेक्ट तो ये यहाँ क्लोज हो गया और ओवरऑल हमारा यहाँ क्लोज हो गया ठीक है और इसके बाद हमारा ये खत्म हो गया अब इसको भी थोड़ा बहुत आपको समझा देता हूँ मैं कि एक्चुअली ये क्या काम करता है ना आप कहोगे कि ये पता नहीं मैंने आप लोगों के सामने क्या लिख दिया तो मेरे भाई पहले क्लियर कर देता हूं मेरी मैथ्स बहुत खराब है सो so मैं इस फॉर्मूले को तो बिल्कुल नहीं समझाने वाला वैल्यूज पुट करके पाई ये वो देख लेना ये कैसे काम करता है मैं ऊपर ऊपर से एक दे रहा गेट बाउंडिंग क्या करता है ये एक मेथड है जो कि आपको रिटर्न करता है साइज ऑफ एन एलिमेंट जो कि आपको साइज ऑफ एन एलिमेंट रिटर्न करके देता है एलिमेंट की क्या साइज है क्या पोजिशन है ये वो वगैरह वगैरह ये वो आपको रिटर्न करके देता है ठीक है तो गेट बाउंडिंग रिटर्न्स द साइज ऑफ एन एलिमेंट एंड पोजीशन रिलेटिव टू व्यू पोर्ट राइट बॉटम एक्स वाई चीजें रिटर्न कर सकता है तो मैंने लेफ्ट और टॉप को यूज किया हुआ है आप और डिटेल में गूगल कर सकते हो एटन टू क्या करता है आपके लिए ये भी एक मेथड है रिटर्न अ न्यूमेरिक वैल्यू बिटवीन पाई एंड पाई रिप्रेजेंटिंग एंगल एंगल थीटा एक एंगल थीटा और पाई की वैल्यूज आपको रिटर्न करके देगा ये आपको एक्स और वाई पॉइंट पे कि भैया कैसे कैसे मूवमेंट करना है पाई के अकॉर्डिंग वो ये काम करता है ठीक है तो उसके लिए मैंने यहां पे वो चीजें लिखी हुई है उम्मीद करता हूं आपको ऊपर ऊपर से जरूर क्लियर हो चुका होगा डिटेल्स के लिए आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट बनी हुई है एच डी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट की सो डायरेक्टली चलते हैं हम लोग अपने पेज के ऊपर और इसको एक बार जो हमारा ये बना हुआ है उसको एक बार रिफ्रेश करके इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो यहां पे मैं माउस अगर लेकर के आऊं इस पेज को रिफ्रेश करने के बाद तो आप देखोगे ये भी फॉलो अप कर रहा है राइट फेस डॉट एस टी एम एल ही खुला हुआ है सो so आप चेक कर सकते हो नॉट पुराना वाला ये जो है ये फेस कॉपी है सो so यहां पे ये भी सही से काम कर रहा है आंखों की मूवमेंट्स हो रही हैं रोटेशंस हो रही है अंदर जा रहे हैं तो ये अजीब सा बना रहा है मुंह को चेंज कर रहा है अपने और काफ़ी एक अच्छा एनिमेशन और एक प्रोजेक्ट हो सकता है आप लोगों के लिए राइट सो so, बहुत अच्छा था वीडियो बड़ी या शायद बहुत ज़्यादा बड़ी बन चुकी होगी ये तो चलो जब मैं एडिटिंग करूंगा तब मुझे मालूम पड़ेगा हो सकता है अभी तो मैं पाँच बज के नौ यहाँ पे हो चुके हैं नौ मिनट पता नहीं ये छः बजे अपलोड होगा या साढ़े छः बजे तक मिलेगा आप लोगों को सो ये बहुत बड़ी वीडियो थी और मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दे मेक श्योर कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दे और पिछली दोनों वीडियोस को भी चेक करें बहुत अच्छी अच्छी एनिमेशन थी और पेली सेक्शन को जाकर के भी देखे दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक दे चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और ये जो एनिमेशन है इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको एरर्स देखने को मिले क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में अगर आप कुछ भी हल्का सा भी फॉल्ट करोगे तो यह एनिमेशन काम नहीं करेगा उस चीज के लिए आप इस कोड को डाउनलोड कर सकते हो लिंक प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं आप डायरेक्टली जाना मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में राइट स्वाइप करके और राइट स्लाइड करके अबाउट में जाना नीचे स्क्रॉल करोगे कर तो स्टोर मिलेगा स्टोर पे जाने के बाद इसका कोड डाउनलोड कर लेना कोड डाउनलोड करोगे तो सीएसएस तो मैं आपको देने नहीं वाला सिंपली जावा का कोड दूंगा बाकी कुछ नहीं देने वाला मैं आपको ठीक है उस कोड को पेस्ट कर लेना ठीक है कोशिश करना खुद से करो बट अगर रन नहीं करता है तो मेरा कोड आपके लिए हेल्पफुल रहेगा अबाउट में जाना और अबाउट में जाने के बाद स्टोर पर जाकर के डाउनलोड कर लेना ठीक है मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज